हेलो गाइस, मैं संतोष जावरिया और आप देख रहे हैं अनुपम एजुकेशन चैनल। हमारे चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो के अंतर्गत हम आपको क्लास 11th के जो वर्ष 2021 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके बता रहे हैं। तो चलिए बिना विलंब किए हम आपको क्वेश्चन को सॉल्व करके भी दिखा देते हैं। यहाँ पर आप पहला क्वेश्चन देख पा रहे हैं जिसमें रीडिंग पैसेज से रिलेटेड है और इस पैसेज को आपको स्वयं पढ़ना है। सीधे हम यहाँ पर आंसर बताएंगे। तो चलिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन हम देख पा रहे हैं जो इस तरह से है। When life began on earth, animal roamed about the planet, तो इसका राइट आंसर है फ्रीली। इसमें यहाँ पर फिलअप करना है। उसका आता है फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट मीन्स नेचुरल होम ऑफ एनिमल्स, तो इसका राइट आंसर है फॉरेस्ट। क्या होगा इसका राइट आंसर? फॉरेस्ट होगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच इज सिमिलर टू पीस, तो इसका राइट आंसर होगा हारमोनी। हारमोनी आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है राइट द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ द नेचर, तो इसका होगा नेचुरल। नेचुरल होगा, ये इसका राइट आंसर है। उसके बाद में विच पार्ट ऑफ स्पीच इज द वर्ड रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट किस प्रकार के पार्ट ऑफ स्पीच का वर्ड है, तो ये नाउन है। और उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ए पर्सन विदाउट फ्रीडम इज कॉल्ड, तो उसे एविलियन, ए स्लेव, एन एनिमी, ए थीव, तो वो क्या राइट आंसर होगा इसका? ए स्लेव होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन इस तरह से है व्हाट डू मैन ह्यूमन बीइंग्स सीम टू हैव फॉरगॉटन टुडे, तो इसका राइट आंसर हम आपको बता देते हैं पैसेज के थ्रू। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है टुडे ह्यूमन बीइंग्स इट सीम्स हैव फॉरगॉटन दैट दे देमसेल्व्स इन्वॉल्वड फ्रॉम एनिमल, ये इसका राइट आंसर है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है व्हाट वाज द मेन एम ऑफ ऑल मेजर रिवॉल्यूशंस अराउंड द वर्ल्ड, तो इसका जो क्वेश्चन है इसका आंसर होगा द मेन एम वाज, मैं सीधे फिर से दिखा दूंगा क्वेश्चन से, इसका आंसर यहाँ सेल होगा द मेन एम ऑफ ऑल मेजर रिवॉल्यूशंस अराउंड द वर्ल्ड वाज, और वाज के बाद हमें कहाँ से लिखना है वो पैसेज के थ्रू लिखना है और पैसेज में कहाँ से लिखे, तो यहाँ पर वाज के बाद हम लिखेंगे, वाज हम लिख चुके थे पहले, वाज टू गेन लिबर्टी ऑफ बिहेवियर ऑफ स्पीच ऑफ थॉट ऑफ एवरीथिंग, यहाँ तक हमारा इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। और उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा इस तरह से है हाउ डिड एनिमल्स यूज टू लिव व्हेन लाइफ बिगेन ऑन अर्थ, इसका हमें आंसर लिखना है। तो चलिए इसका आंसर भी आपको बताते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर है व्हेन लाइफ बिगेन ऑन अर्थ एनिमल्स रोम्ड फ्रीली अबाउट द प्लेनेट विदाउट एनी डेंजर ऑफ बीइंग कैप्चर्ड और केप्ट अवे फ्रॉम देयर हैबिटेट, ये इसका आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर इस तरह से है व्हाट ए स्मॉल चाइल्ड इमेज ऑफ वाइल्ड लाइफ, और मैं क्लियर कर दूँ इसको। यहाँ पर है व्हाट इज स्मॉल चाइल्ड इमेज ऑफ वाइल्ड लाइफ, इसका आंसर देख लेते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर है व्हेन ए स्मॉल चाइल्ड इंट्रोड्यूस्ड टू द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ ही इज गिवन एन इमेज दैट वाइल्ड लाइफ इज कन्फाइंड टू द रिमोट जंगल्स एंड फॉरेस्ट वेयर दीज एनिमल्स लिव इन हारमोनी विदाउट द ब्यूटीज ऑफ नेचर द ट्रीज द फ्लावर्स द क्लाइमेट एंड अदर ऑर्गेनिज्म, इस क्वेश्चन का आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर इस तरह से अकॉर्डिंग टू द ऑथर वाई डू ह्यूमन बींग्स एक्सप्लोइट नेचर, तो इसका आंसर लिखने के लिए आपको इसी से स्टार्ट करना है अकॉर्डिंग टू द ऑथर। उसके बाद लिखना है ह्यूमन बींग्स एक्सप्लोइट नेचर बिकॉज, और बिकॉज के बाद हम आपको पैसेज पर ले चलते हैं जहाँ से आपको उसको लिखना है। तो यहाँ पर बिकॉज के बाद आप क्या लिखेंगे बिकॉज दे फील दैट बाय गिविंग देम ब्रेन्स गॉड हैज़ गिवन देम द अथॉरिटी टू एक्सप्लॉइट नेचर एज दे विश, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इस तरह से हमने इस पैसेज को सॉल्व किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सेकंड क्वेश्चन इस तरह से है, ये भी एक पैसेज है जिसको आपको पढ़ना है, उसके आंसर देना है।
तो रॉयल बंगाल टाइगर्स इज द लार्जेस्ट फॉरेस्ट एंड पावरफुल मेंबर ऑफ द बिग कैट फैमिली इन इंडिया। इस पूरे पैराग्राफ को आपको पढ़ना है और इसके आधार पर हम इसका जवाब देंगे। चलिए यहाँ पर हम चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। इसका जो पहला क्वेश्चन इस तरह से है, यदि आप पूरे पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको उत्तर इस तरह से मिलेंगे। विच ऑफ दीज इज द अदर नेम ऑफ द रॉयल बंगाल टाइगर्स, तो इसका इंडियन टाइगर्स इसका राइट आंसर है। उसके बाद में इन विच ऑफ दीज नाइबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया द रॉयल बंगाल टाइगर इज नॉट फाउंड, तो वो श्रीलंका में नहीं पाए जाते हैं। उसके बाद द बायोलॉजिकल नेम ऑफ द बंगाल टाइगर इज पैंथरा टाइग्रीस, ये सी वाला इसका मतलब थर्ड वाला इसका आंसर सही है। उसके बाद में द स्ट्रीप्स ऑफ द बंगाल टाइगर आर ऑफ डार्क ब्राउन कलर, इसका राइट आंसर है। उसके बाद में फाइंड आउट द नाउन फॉर्म ऑफ स्टील फ्रॉम द पैसेज, तो इसमें क्या कर देना है आपको, स्टील में टी एच और जोड़ देना है, इसलिए आपका राइट आंसर इस तरह से हो जाएगा स्टील्थ। तो स्टील का जो है नाउन फॉर्म है वो स्टील्थ हो जाएगा। उसके बाद में चलते हैं, फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स एन एनिमल दैट इज हंटेड एंड किल्ड फॉर फूड बाय अनादर एनिमल, तो इसमें आपको लिखना है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि बीइंग फायर्स इन नेचर, तो ये फायर्स जो वर्ड है इसका मतलब होता है आक्रामक, खतरनाक, शिकार करने वाला, तो ये यहाँ फायर्स वर्ड इसके लिए सूटेबल होगा। और उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है जो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच कंट्री इज द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ बंगाल टाइगर्स फाउंड, तो इसका आंसर है इंडिया। यहाँ लिख देंगे इंडिया इज द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ बंगाल टाइगर्स फाउंड, या लिख सकते हैं या सीधा आप इंडिया लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेन रीज़न फॉर रिडक्शन इन द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स, तो इसका आंसर आप यहां से देख सकते हैं। इसमें हम लिखेंगे द मेन रीज़न इन इज हंटिंग पोचिंग अर्बनाइजेशन हैबिटेट लॉस एंड इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड, इसका राइट आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारे सामने इस तरह से है, अगले क्वेश्चन में लिखा है व्हेन वाज द लेटेस्ट सर्वे ऑफ टाइगर्स कंडक्टेड अकॉर्डिंग टू द पैसेज, तो हम इसका आंसर लिखेंगे द लेटेस्ट सर्वे ऑफ टाइगर्स वाज, यहाँ क्या लगा देंगे, वाज कंडक्टेड इन 2017 अकॉर्डिंग टू द पैसेज, इन 2017 ने 2017 अकॉर्डिंग टू द पैसेज, इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आता है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड मेक नोट्स ऑन इट, गिव ए सुटेबल टाइटल एंड समरी टू, तो देखिए इसको आपको पूरा पढ़ना है और जब पूरा पढ़ेंगे तो यहाँ पर दिए गए प्रश्नों का आंसर आप दे पाएंगे। फिलहाल मैं यहाँ पर आप इसमें मेक नोट्स ऑन द कॉम्प्रीहेंशन ऑफ द पैसेज सप्लाई सुटेबल टाइटल राइट ए शॉर्ट समरी इन योर ऑन वर्ड्स, तो देखिए मैं इसका पूरा सेंस बता दूं कि जो पूरा जो पैराग्राफ है वो एक्सरसाइज के ऊपर, वॉकिंग एक्सरसाइज के ऊपर है, यानी वॉकिंग के ऊपर है, तो आप इसके आधार पर इसकी समरी लिख देना है। और इसका जो सूटेबल टाइटल है वो मैं बता देता हूँ, वो इस पैराग्राफ की स्टार्टिंग में ही लिखा हुआ है। इसका जो सूटेबल टाइटल है, वॉकिंग इज एन आइडल एक्सरसाइज, इसका टाइटल है, और बाकी इसके आधार पर आप समरी और नोट खुद बना सकते हैं। चलिए अब आज चलते हैं सेक्शन बी जो कि ग्रामर से रिलेटेड है, बहुत इम्पोर्टेंट सेक्शन है ये, तो चलिए हम यहाँ पे वन बाय वन सारे इन क्वेश्चंस के आंसर आपको बता देते हैं। तो यहाँ पे आप पहला क्वेश्चन देख पा रहे हैं जो फिल इन द ब्लैंक से रिलेटेड है, सी इज़ यूरोपियन लेडी, तो सी इज़ ए, यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए यूरोपियन लेडी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डू यू हैव मिनट्स टू डिस्कस द सब्जेक्ट, तो डू यू हैव ए फ्यू मिनट्स, इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि मिनट्स जो है काउंटेबल है और काउंटेबल के साथ इसमें फ्यू लगाया जाता है, द लिटिल ए लिटिल और लिटिल जो सब है ये अनकाउंटेबल के साथ यूज होते हैं।
उसके पश्चात अगला क्वेश्चन है, वुड यू लाइक टू हैव कॉफ़ी। तो देखिए यहाँ पे ये इंटरोगेटिव है, इंटरोगेटिव में जनरली एनी लगाते हैं, लेकिन ऐसे इंटरोगेटिव जिसमें रिक्वेस्ट का भाव छुपा हुआ हो उसमें हम चाहे वो इंटरोगेटिव हो तो भी हम उसमें सम लगाते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं वुड जो है इसमें पोलाइट रिक्वेस्ट को इंडिकेट करता है, तो वुड यू लाइक टू हैव सम, इसमें हम क्या लिखेंगे, सम कॉफ़ी, ये हमारा राइट आंसर रहेगा, आपको इस तरह से लिखना है। उसके बाद देखिए ही ऑलवेज द ट्रूथ, तो ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ, ऑलवेज जो प्रेजेंट की घटना को इंडिकेट करता है, इसलिए हम इसमें क्या लगाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट की वर्ब लगाएंगे, तो स्पीक्स यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, दे इंग्लिश नाउडेज, नाउडेज इन्हें वर्तमान की घटना आजकल, और आजकल की इन्हें वर्तमान की जो चलन में है उसको इंडिकेट कर रहा है, और चलन में इंडिकेट करने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूस का यूज़ करते हैं। अब दे के साथ हम क्या करेंगे, आर का प्रयोग करेंगे, इसलिए दे आर लर्निंग इंग्लिश नाउडेज, इसमें इज नहीं आएगा, एम नहीं आएगा, एम होता है केवल आई के साथ और ये ही सीट नेम के साथ होता है, लेकिन यह दे इसलिए आर का यूज़ करेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग जो बताता है वो इसमें हैज बिन, हैव बिन, हैड बिन का प्रयोग होता है, तो ये यहाँ एकमात्र ऑप्शन है ये, तो इट हैज़ बिन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो डू इज डायरेक्टेड से रिलेटेड है, इसमें से एनी फाइव आपको करना है। तो देखिए पहला क्या है, ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक, तो हम इसमें क्या करना है, टू टू का यूज़ करना है सो दैट के स्थान पर, तो हम इसको क्या लिखेंगे, ही इज टू वीक उसका टू वॉक, ये हमारा इसका राइट आंसर रहेगा। ध्यान दीजिए ही इज हो गया और ये वीक के स्थान पे क्या गया, टू, और टू वीक और डेट के स्थान पे क्या गया, टू वॉक, तो इसका ये राइट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही वॉज टीचिंग इंग्लिश चेंज द वॉइस, तो वॉइस चेंज करना है, तो इसको हम लिखेंगे इंग्लिश वॉज टाट बाय हिम, टाट बाय हिम, आपको हिम आगे लिख देना है, मैं यहाँ लिख देता हूँ हिम, इसका पूरा होगा। फिर सुन लीजिए क्या होगा, इंग्लिश वॉज बींग लिखना है आपको, इंग्लिश वॉज और बींग टाट बाय हिम, इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ ही डज नॉट हैव टाइम ही कैन नॉट हेल्प यू, बहुत ही अच्छा वाक्य दिया गया है, सेंटेंस यहाँ पे ग्रामर दिया गया है, इसमें आपके द्वारा गलती की जा सकती है, ध्यान दीजिए क्या होगा, इसमें आपको अनलेस लगाना है इफ़ के स्थान पर, तो यहाँ पर हम इफ़ हटाएंगे और अनलेस लगाएंगे, लेकिन जिसमें अनलेस लगाते हैं उसमें नॉट भी हट जाता है और नॉट के साथ डू डिड और डज है तो वो हट जाता है, तो ये हटाएंगे, साथ ही हैव को हम हैज में कन्वर्ट करेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो अब सुन लीजिए इसका क्या होगा, अनलेस ही हैज टाइम ही कैन नॉट हेल्प यू, इसका राइट होगा। तो सीधे आपको समझ लेना है, फिर मैं बता दूं एक बार, इफ हटाएंगे और अनलेस लिखेंगे, अनलेस ही हैज, हैव को हैज में कन्वर्ट कर देंगे, अनलेस ही हैज टाइम ही कैन नॉट हेल्प यू, इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में ही डज हिज वर्क चेंज इनटू नेगेटिव, तो इसका होगा ही डज नॉट डू हिज वर्क, ये इसका राइट होगा। इस तरह से आप ये देख पा रहे हैं, अगले ग्रामर को देखते हैं, अगला क्या है उसे समझ लीजिए, अगला है आई नो द बॉय इज वियरिंग ए ब्लू शर्ट, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, देखने में प्रॉब्लम आ रही है, चलिए आई नो द बॉय इज वियरिंग ए ब्लू शर्ट, इसको हु से कंबाइन करना है, तो दोनों में देखिए आई नो द बॉय और उसके बाद क्या लिख देंगे यहाँ पे हु इज वियरिंग ए ब्लू शर्ट, पूरा सेंटेंस एक लिखना है आई नो द बॉय हु इज वियरिंग ए ब्लू शर्ट,
तो इस तरह से इसमें प्रयोग हो जाएगा। उसके बाद चलिए, ही इज़ द बेस्ट ऑफ ऑल बॉयज। री राइट द सेंटेंस यूजिंग कॉम्परेटिव डिग्री, इसको कॉम्परेटिव डिग्री का प्रयोग करते हुए लिखना है। तो यहाँ पर इस सेंटेंस का इस तरह से कॉम्परेटिव डिग्री में यूज होगा, यहाँ पे कॉम्परेटिव डिग्री का यूज़ करना है। कॉम्परेटिव डिग्री मीन्स गुड, बेटर, बेस्ट होता है, तो बेटर का यूज़ करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे नो अदर बॉय इज टालर देन हिम। यहाँ पर ऐसा हम इसका लिखेंगे, नो अदर बॉय इज टालर देन हिम, इसका राइट होगा। तो इस तरह से हमने इस ग्रामर वाले सेक्शन को पूरा किया है। अगले सेक्शन को देखते हैं जो कि से रिलेटेड है, लिटरेचर से रिलेटेड है, जो कि आपके टेक्स्ट बुक के अंदर दिए गए हैं, उन्हीं पैसेज उनसे ये एक्सट्रैक्ट लिया गया है, उसके अकॉर्डिंग इसके क्वेश्चन के जवाब को देना है। तो देखिए यहाँ पर आपको एक्सट्रैक्ट को पढ़ लेना है और उसके बाद में यहाँ पर लिखा है द नेम ऑफ पोयम इज़ ए फोटोग्राफ। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है द पोएटेस मदर वेंट टू द बीच विथ, तो बेटी एंड डॉली। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है हु वुड लाफ एट द स्नैपशॉट, तो श्रीली तुलसन्स मदर, इसका आंसर होगा। उसके बाद में इसी के आर में क्वेश्चन पोयम दिया गया है और उस पोयम पर आधारित क्वेश्चन पूछे गए हैं। द नेम ऑफ द पोएट इज़, तो एलिजाबेथ जिनिंग्स, इसका आंसर है। उसके बाद चूज द अपोजिट ऑफ सोरो, तो यहाँ जॉय होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है चूज द वर्ड फ्रॉम द अबोव लाइंस विच मीन्स एक्स्ट्रावेजेंट, तो प्रोडिगल, इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 आता है। क्वेश्चन नंबर 7 इस तरह से है, इसमें एक पैसेज दिया गया है, एक्सट्रैक्ट दिया गया है, जिसको ये टेक्स्ट बुक्स के अंदर से ही है, इसको आपको पढ़ना है और पढ़कर लास्ट में जो क्वेश्चन से हैं उनके आंसर देना है। तो देखिए यहाँ पर इसमें 3 क्वेश्चन क्या क्या दिए गए हैं वो देख लेते हैं। व्हाट इज ए वंडरफुल ओल्ड टेल अबाउट, तो ये जो टेल किसके बारे में है, तो म्यूजिशियन, स्कल्प्टर, पेंटर, सिंगर, तो ये एक पेंटर के संबंध में है। उसके बाद इन विच सेंचुरी डिड वो डाउजी लाइव लिव, तो देखिए इसका है द 8th सेंचुरी। उसके बाद में व्हाट सीन्स डिड वो डाउजी पेंट इन हिज लास्ट पेंटिंग, हाई माउंटेन्स, वाटरफॉल्स, बर्ड्स एंड फ्लाइट, तो ऑल ऑफ दीज इसका सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन इसी के आर में दिया गया है, इसमें भी एक पैराग्राफ दिया गया है जिसे आपको पढ़ लेना है, बड़ा इंटरेस्टिंग पैराग्राफ है। चलिए मैं फ़िलहाल इसके आंसर्स को बता देता हूँ। वेयर वाज द जू सिचुएटेड इन जाम्बिया, तो ये लुसाका में सिचुएटेड है, तो यहाँ पर कोपनहेगन, मोरक्को और घाना ये दिए गए हैं, लेकिन लुसाका में इसको दिखाया गया है, लुसाका में सिचुएटेड है। उसके बाद में व्हाट वाज केप्ट इनसाइड द केज इन जू एट लुसाका जाम्बिया, तो ए लायन, ए मिरर, ए मंकी, ए लियोपार्ड, तो इसका राइट आंसर क्या है, ए मिरर। उसके बाद में व्हाट डज द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल रिफर टू, तो देखिए ए टाइगर, ए व्हेल, ए मैन, ए कोबरा, तो ये ए मैन है जो से मोस्ट डेंजरस एनिमल बताया गया है। और चलिए आगे की ओर चलते हैं। उसके बाद में ये जो क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की ओर चलें, तो अगले क्वेश्चन में जो है वो टेक्स्ट बुक्स रिलेटेड है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 आता है, जिसमें इस तरह से क्वेश्चन दिए गए हैं, फिल इन द सॉरी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस चूजिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव्स। द पोर्ट्रेट लेडी विच एनिमल डिड द ग्रैंडमदर यूज टू फीड, तो इसमें स्पैरोज आएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा आता है इफ़ वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई विच कंसिडर्ड द वर्ल्ड्स रफेस्ट सी, तो इसका जो आंसर आएगा दो वो होगा द साउथर्न इंडियन ओशियन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उसके बाद में फ्रेंच पेंटर मुटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ बर्नट इन 1940, तो जीन डबेट
डबेट इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा इस तरह से है, दोज हु कंट्रोल टू लुक आफ्टर ट्रस्ट, और उसके बाद में है ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड, तो इसका होगा ट्रस्टी आंसर होगा। उसके बाद में ये जो सारे क्वेश्चंस हैं आपके टेक्स्ट बुक से रिलेटेड है, इन द पोयम चाइल्डहुड हेल एंड हीवन आर नॉट फाउंड इन जियोग्राफी, इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में इन द पोयम द लेम्ब्रम टॉप द लेम्ब्रम टू इज डिस्क्राइब्ड एज, तो इसका राइट आंसर होगा, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है साइलेंट। और उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस तरह से है, व्हाट डज द रेन गिव बैक ऑन द अर्थ इन द पोयम द वॉइस ऑफ द रेन, इसका आंसर है लाइफ, सही इसका आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 जो कि आप टेक्स्ट बुक्स रिलेटेड है, तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 आता है जो कि आपकी टेक्स्ट बुक पर आधारित है। इसमें जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं वो टेक्स्ट बुक्स लिए गए हैं, तो इन प्रश्नों के आंसर आपने पढ़े होंगे, तो इन प्रश्नों के आंसर आप स्वयं लिखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी उसी पर आधारित है और क्वेश्चन नंबर 11 भी कुछ उसी पर आधारित है। और उसके बाद में यहाँ पर आप लोगों को कुछ पोएम्स से उनके सेंट्रल आइडियाज़ लिखने के लिए कहा गया है, ये भी आपके टेक्स्ट बुक से रिलेटेड है। और सेक्शन डी जो राइटिंग स्किल से रिलेटेड है, इसके अंतर्गत आपको एप्लीकेशन राइटिंग है, शॉर्ट नोटिस है, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं नोटिस वगैरह है, और ये आप लोगों ने पढ़े भी होंगे और इसी को आपको लिखना है। चलिए उसके बाद पैराग्राफ राइटिंग है 75 to 100 वर्ड्स यानी 1। और उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यू आर अतुल वर्मा रिजाइडिंग एट 23 बुक ब्लॉक कॉलोनी भिंड, राइट लेटर टू द एडिटर ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया भोपाल ब्रिंगिंग इन सैनिटरी कंडीशंस इन योर लोकेलिटी ऑफ द नोटिस ऑफ द कंसर्न्ड अथॉरिटीज यूजिंग द वर्बल स्टिमुलस गिवन बिलो, तो इसके आधार पर जो यहाँ पर वर्बल स्टिमुलस गिवन दिए गए हैं उनके आधार पर आपको जो है एक रिपोर्ट तैयार कर नोटिस बनाना है। और उसके बाद में इसी के आर में एक क्वेश्चन और दिया गया है जिसे आप पढ़ेंगे। और उसके बाद में एक यहाँ पर एक लेटर राइटिंग है, इसमें लिखा गया है यू आर मोहित गुप्ता रिजाइडिंग एट 24 सुरेश नगर सीहोर, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड गगन जैन कंग्रेचुलेटिंग हिम ऑन हिज ब्रिलियंट सक्सेस इन द एग्जामिनेशन, ऐसे ही एक एप्लीकेशन और दिया गया है जो लेटर दिया गया है जिसे आप देखेंगे और लिखेंगे। और उसके बाद में आपको यहाँ पर राइट एन आर्टिकल इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इनपुट्स, जो इनपुट दिए हैं इनके आधार पर आपको एक आर्टिकल लिखना है। उसके आर में है राइट ए पैराग्राफ अबाउट 120-150 वर्ड्स ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स, इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश, इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स। इस तरह से आपके क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन दिए गए थे। हमारे इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।